श्री राजीव महर्षि जी, दोनों डिप्टी सीए जी, देश भर से आए सभी साथी, फ्रेंड्स, अकाउंटेंट जनरल कॉन्क्लेव में मुझे फिर एक बार आने का मौका मिला है। ज्यादा तो मौका नहीं मिलता है बातचीत करने का, लेकिन कुछ समय में भी कुछ अनुभव तो हो ही जाता है। गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती के वर्ष में यह कार्यक्रम होना यह भी अपने आप में सुखद है। और गांधी जी कहते थे कि जिस तरह व्यक्ति अपना पीठ नहीं देख सकता, अपना बैक नहीं देख सकता, उसी तरह व्यक्ति के लिए अपनी त्रुटियों को देखना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप सभी वो दिग्गज हैं जो एक आईना लेकर सरकारी व्यवस्थाओं के सामने खड़े हो जाते हैं। ये कमियां हैं, ये गलतियां हैं, ये प्रोसेस ठीक नहीं है, और आप हिसाब किताब रखने वालों का हिसाब किताब करते हैं। लेकिन अभी जो महर्षि जी ने प्रेजेंटेशन दिखाया गया, उसमें मुझे खुशी है कि आपने अपना हिसाब किताब दिखाया। यह अच्छी पहल है। साथियों, 3 साल पहले जो संगोष्ठी हुई थी, उसमें मैं आप सभी के बीच विस्तार से चर्चा करने का अवसर मुझे मिला था। उस चर्चा के अनेक बिंदुओं पर, जैसा मैं देख रहा था, बहुत सी बातों को आपने पकड़ करके उसको लागू करने का काम किया, और आगे भी आपकी प्रक्रिया चल रही है। और मुझे याद है कि तब मैंने कहा था, सीएजी को टुकड़ों में सोचने के बजाय संपूर्णता में काम करने की जरूरत है। सिर्फ आंकड़ों और प्रक्रियाओं तक ही ये संगठन सीमित नहीं रह सकता है, बल्कि वाकई में गुड गवर्नेंस के एक कैटलिस्ट के रूप में आगे आना है। सीएजी को सीएजी प्लस बनाने के सुझाव पर आप गंभीरता से अमल कर रहे हैं, ये मेरे लिए खुशी की बात है, और इसके अनेक सुखद परिणाम भी देश को मिले हैं। देश में अकाउंटेबिलिटी और प्रॉबिटी का माहौल बनाने में इसके कारण एक मदद मिलती है, एक वातावरण बनता है। देश में आउटकम आधारित टाइम बाउंड तरीके से काम करने की जो व्यवस्था विकसित हो रही है, उसमें सीएजी की बहुत बड़ी भूमिका है। ये सब संभव तो हो पा रहा है, तो इसके पीछे आप और आपके जो साथी हैं, और विशेषकर जिनको फील्ड पर काम करना होता है, फील्ड पर जाकर के ऑडिट करना होता है, कहीं माइनिंग चलता है तो उसको वहां जाना पड़ता है, जाकर के देखना पड़ता है, और राज्यों में भी जाकर के महीनों महीनों तक एजी ऑफिस के साथी फील्ड में डटे रहते हैं, वहां बैठे रहते हैं, एक एक कागज को छानबीन करते रहते हैं, और कभी कभी तो परिवार के साथ भी लंबे अरसे की दूरी हो जाती है, और तब जाकर के ये सारी प्रोसेस निकलती है जी। और ऐसे ही निष्ठावान साथियों के कारण सीएजी की विश्वसनीयता बनी है और मजबूत हुई है। साथियों, दशकों से खड़ी की हुई इस व्यवस्था में बहुत तेजी से परिवर्तन लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है।
क्योंकि आप शायद सरकारी व्यवस्थाओं में जिसकी सबसे ज्यादा उम्र है ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है तो वो सीएजी है। 1860 में हुआ और वो भी 1857 के बाद हुआ था, तो उसके पीछे एक हिस्ट्री है। कभी आप लोग गहरे जाओगे तो काफी कुछ मिलेगा उसमें से। आजकल तो रिफॉर्म को एक बड़ा ही बड़ा फैंसी वर्ड माना जाता है। अरे हर कोई कहता है मैं भी रिफॉर्म करता हूँ, रिफॉर्म कहीं कुछ भी करो रिफॉर्म में आ जाता है। लेकिन असली रिफॉर्म तब आता है जब किसी संगठन में पूरी रैंक और फाइल पूरी ईमानदारी से उसके लिए तैयार होती है, मोटिवेट होती है। और ये बात देश की हर सरकार, हर संस्था, हर संस्थान पर लागू होती है, और जिसमें सीएजी भी है। सीएजी की जिम्मेदारी इसलिए भी अधिक है क्योंकि आप देश और समाज के आर्थिक आचरण को पवित्र रखने में एक अहम भूमिका निभाते हैं, और इसलिए आपसे उम्मीद भी जरा ज्यादा रहती है। साथियों, नीति के, अर्थशास्त्र और ऑडिटिंग के प्रेरणा पूज्य चाणक्य कहा करते थे, ज्ञानम भारः क्रियाम विना। यानी अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन उसको आप सही जगह पर सही दिशा पर नहीं लगाते हैं तो वो अपने आप में बोझ बन जाता है, वो निरर्थक हो जाता है। और इसलिए आपके पास एक प्रकार से दोहरी जिम्मेदारी है। आपको अपने ज्ञान और अनुभव का प्रसार करना है तो साथ साथ एथिक्स भी मजबूत बनाने हैं। और जिसको चाणक्य ने अपने पूरी नीति शास्त्र के अंदर सबसे ज्यादा महत्व दिया था। और इसलिए मैं समझता हूं कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में, बदलती टेक्नोलॉजी के इस दौर में, ऑडिट और एश्योरेंस की भूमिका और उसमें बदलाव बहुत अहम हो चुके हैं। साथ ही टेक्नोलॉजी को आधार बनाकर ट्रांसपेरेंसी लाने के प्रयास आप सभी बीते 5 वर्षों से निरंतर देख रहे हैं। सरकार का हिसाब किताब खुला और पारदर्शी रहा है, बल्कि एक डैशबोर्ड की तरह है। जो भी है वो सबके सामने है, जितना भी है वो स्पष्ट दिखता है। टेंडर से लेकर के प्रोक्योरमेंट तक एक पारदर्शी प्रक्रिया सरकार ने खड़ी की है। अब अधिकतर टेंडर ऑनलाइन होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग भी, सर्वेलेंस साइंटिफिक तरीके से होती है। जेएम यानी जनधन, आधार, मोबाइल, इससे सामान्य मानवी तक सरकारी योजनाओं को लाभ डायरेक्ट पहुंच रहा है। और जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस, इससे सरकार अपनी प्रोक्योरमेंट डायरेक्ट करती है। आज सरकार की 425 से ज्यादा स्कीम का लाभ डायरेक्ट लाभार्थियों तक पहुंच रहा है, जिसके कारण करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। विशेष तौर पर जीएसटी जैसे चुनौतीपूर्ण और जटिल सुधार को देश के व्यापारिक संस्कृति का हिस्सा बनाने में तो आपने भी सराहनीय भूमिका निभाई है। साथियों, आज भारत दुनिया की सबसे अग्रणी डिजिटाइज इकोनॉमी में से एक है और यहां तेजी से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। डिजिटल व्यवस्था ने नागरिक और सरकार के बीच के इंटरफेस को, सद्भाव को, विश्वास को तो मजबूत किया ही है, सरकारी प्रक्रियाओं पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ा है। हमारे रिकॉर्ड मेंटेन करने के तौर तरीके भी बदलते जाते हैं। और मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। पहले जो सरकार को पेमेंट होती थी उसके चालान नागरिकों को, सरकारी दफ्तरों को, ट्रेजरी को, सभी को अलग अलग रखने पड़ते थे, लेकिन अब फिजिकल कॉपी की जरूरत नहीं है, बल्कि वो ऐप में ही वो पेपरलेस तरीके से स्टोर हो जाता है। इससे जनता को तो सुविधा हुई है, सीएजी की ऑडिट प्रोसेस पर भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। साथियों, आज जब भारत $5 ट्रिलियन की आर्थिक ताकत बनने की ओर अग्रसर हो रहा है
उसमें भी आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि आप जो करेंगे उसका सीधा असर सरकार की एफिशिएंसी पर पड़ेगा, सरकार की डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग पर पड़ेगा। आप जो कुछ करेंगे उसका सीधा असर बिजनेस संस्थानों की एफिशिएंसी पर भी पड़ेगा, आप जो कुछ करेंगे उसका सीधा असर भारत में निवेश पर पड़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर पड़ेगा। आज जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको सटीक ऑडिट भी चाहिए ताकि वो अपने पांच का सही एग्जीक्यूशन कर सके। वहीं वो ये भी नहीं चाहते कि ऑडिट के प्रोसेस बहुत ज्यादा समय लगे। यहीं से आपकी चुनौती शुरू होती है। इस चुनौती से निपटने के लिए दो काम बहुत जरूरी है, एक स्किल और ट्रेनिंग से जुड़ा है और दूसरा टूल्स से जुड़ा है। जो नए साथी इस प्रोफेशन से जुड़ रहे हैं उनको तो अपडेटेड टेक्नोलॉजी से हमें लेस करना ही है, जो भी काम कर रहे हैं इनकी स्किल को अपग्रेड करना भी उतना ही जरूरी है। अब जैसे पूरी दुनिया में जो ऑडिटिंग से जुड़ी संस्थाएं हैं वे क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रही हैं, इसी तरह टेक्नोलॉजी को लेकर जो बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं उनको हमें हमारे सिस्टम का हिस्सा तो बनाना ही है। इंडिया पैसिफिक टूल्स पर भी हमें काम करना है। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि साल 2022 तक एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग को गवर्नेंस का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। ये न्यू इंडिया की नई पहचान बनाने भी मदद करेगा। ऐसे में ऑडिट और एश्योरेंस सेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी ये सही दौर है। अब सीएजी को भी सीएजी 2.0 की तरफ बढ़ना होगा। मुझे बताया गया है कि आप इस तरफ तेजी से आगे बढ़ भी रहे हैं। ये काम हम तेजी से तभी कर पाएंगे जब कुछ गैप्स को, कुछ कड़ियों को तेजी से जोड़ पाए। अभी हमारे यहां जो डेटा जनरेट हो रहा है वो बहुत विशाल है और अनेक एजेंसियों, अनेक विभागों के पास स्टोर है। ये डेटा भी इन एजेंसियों और विभागों ने अपने यूज के लिए कलेक्ट किया है, लेकिन ये भी सही है कि अक्सर ये डेटा एक दूसरे के साथ शेयर नहीं किया जाता, ये विशाल डेटा लिंक नहीं होता, इसलिए अकाउंटेबिलिटी गैप भी नेचुरल कोर्स में आ जाता है। हमें इसे ब्रिज करना है और इसके लिए सरकार के स्तर पर भी कुछ कोशिश हो रही है, कदम उठाए जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आप सब भी इस विषय पर आपस में विचार करेंगे और दूसरी एजेंसियों और विभागों के साथ भी साझा करेंगे। और मुझे याद है पिछली बार मैंने आपके बीच एक ही जिले में रोड कंस्ट्रक्शन का उदाहरण दिया था। ये बताया था कि कैसे एक ही जिले में समान लंबाई की सड़क जब दो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं तो कई बार कीमतों में कितना फर्क रहता है। अब अलग अलग ऑडिट के समय में तो दोनों ठीक लगते हैं, लेकिन ओवरऑल पिक्चर को देखें तो सही नहीं पाए जाते हैं। ऐसे कितने ही उदाहरण सरकारी विभागों में है जहां पर बिग डेटा एनालिसिस सुधार किए जा सकते हैं। और मैं समझता हूं कि जब आप बड़े डेटाबेस को अपने ऑडिट के लिए एनालाइज करते हैं तो आपकी जानकारी एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग में बहुत काम आ सकती है। अगर इसमें सीएजी इस डेटा से जुड़ी जानकारियों के आधार पर एडवाइस दे सके, कुछ इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन दे सके, तो मैं समझता हूं इससे देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। और मेरा तो आग्रह यह भी होगा कि आप सिर्फ ऑडिट के लिहाज से ही नहीं, एक थिंक टैंक के नजरिए से भी सोचें। साथियों, मैंने पिछली बार इंस्टीट्यूशनल मेमोरी की भी बात की थी। डिजिटल ऑडिट और डिजिटल गवर्नेंस अलग अलग संस्थाओं में इस इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को भी मजबूत करने का काम कर सकती है। एक और काम आप आसानी से कर सकते हैं, सीएजी अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का ऑडिट करती है, दूसरे देशों को ऑडिट में टेक्निकल सपोर्ट देती है। आप एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म तैयार कर सकते हैं जिसमें इंटरनेशनल ऑडिट करने वाली टीमें अपने अनुभव साझा कर सके, वहां की बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर सके, सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट
ज्यादा सार्थक हो, इसके लिए क्या हम ऑडिट के टॉपिक को विचार विमर्श करने के लिए चुन सकते हैं क्या? इस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। आप अनेक प्रकार के ऑडिट करते आ रहे हैं, मेरा एक सुझाव है कि आप प्रोसेस ऑडिट पर भी गौर करें। अभी तक तो आप सिर्फ यही देखते हैं कि प्रोसेस फॉलो हुआ या नहीं हुआ, लेकिन क्या उस प्रोसेस में कोई सुधार संभव है ताकि निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचा जा सके? ये सुझाव आएगा और मैं समझता हूं कि बहुत मददगार होगा। एक और शिकायत विभागों की तरफ से रहती है कि सीएजी ऑडिट बहुत जल्दी जल्दी होता है, जिसके कारण जो फाइंडिंग्स निकलती हैं वो उतनी काम नहीं आ पाती है। क्या ऐसा संभव है कि विभागों के इंटरनल ऑडिट उसमें कैसे मजबूती आए और वो इन ट्यून विद सीएजी कैसे हो, ताकि हम समय भी बचा सके और एफिशिएंसी बढ़ा सके? और इससे होगा ये कि रूटीन ऑडिट विभाग खुद जब करते हैं तो इन सारी बारीकियों को ध्यान दें, ताकि जब सीएजी वहां जाए तब उसको जो रेडीमेड मटेरियल मिलेगा उसमें बहुत कम चीजों की जरूरत पड़ेगी और हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, हम स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। साथियों, एक चुनौती उस टेक्नोलॉजी से निपटने की है जो गलत काम करने वालों के पास है। अब सीएजी सहित तमाम ऑडिटर्स को, चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल, नई चुनौतियों से निपटने के लिए इनोवेटिव तरीके ढूंढने ही पड़ेंगे। और इसके लिए सबसे पहले हमें ऑडिटर्स की कोर वैल्यूज को प्रोत्साहित करना होगा, तभी हम ऑक्यूपेशनल फ्रॉड पर नकेल कस पाएंगे। बीते कुछ सालों में सरकारी विभागों में फ्रॉड से निपटने के लिए अनेक प्रयास हुए हैं। अब सीएजी को ऐसे टेक्निकल टूल्स डेवलप करने होंगे ताकि संस्थानों में फ्रॉड के लिए कोई गुंजाइश ना बचे। और मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं, मैं पिछले दिनों इसका प्रयोग किया है, क्या सीएजी इस पर सोच सकता है क्या? मैंने भारत सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंटों से प्रार्थना की कि आपके पास ऐसे कौन से प्रॉब्लम है कि जिसके सॉल्यूशन में या उस समस्याओं के समाधान में या डिलीवरी में आपको दिक्कतें होती हैं। शुरू में तो डिपार्टमेंट के लिए ऐसा स्वीकार करना मुश्किल होता है, तो सबका पहला रिपोर्ट तो यही आता, नहीं नहीं हमारे यहाँ कोई तकलीफ नहीं, सब बहुत अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं जरा पीछे लगा रहा, बार बार पूछता रहा, तो अलग अलग डिपार्टमेंट से करीब करीब 400 इश्यूज आए। उनको लगता था कि इसका टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन हो तो अच्छा हो। इन 400 इश्यूज को मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज के आईटी बेस्ड काम करने वाले स्टूडेंट्स को दिया और पूरे देश में हैकेथॉन चलाया। लाखों नौजवानों ने उसमें हिस्सा लिया, मिनिमम 36 अवर्स नॉनस्टॉप इन टोलियों ने काम किया। उसमें से निकलते 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 ऊपर जब करीब 10-12 हज़ार बच्चे बचे, तो मैंने खुद ने उनसे चर्चा की और आप हैरान हो जाएंगे, इन 400 जो इश्यूज निकाले थे, अधिक का सॉल्यूशन इन 18-20-22 साल के बच्चों ने निकाल करके दिया, टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन। और सरकार का भी मैं अभिनंदन करूंगा कि उसमें से करीब करीब 80% उन्होंने ऑलरेडी अपनी व्यवस्था में इनकॉर्पोरेट कर दिया, लागू कर दिया। क्या सीएजी आज जो चुनौतियां हैं, जैसे आप प्रेजेंटेशन में बताया कि एक हॉस्पिटल का ऑडिट करना यानी कितना बड़ा टेक्निकल काम है, कैसे करना? अब आप तो उस फील्ड के हैं नहीं, कोई एक डॉक्टर मिल जाए वो आपको कहे तो आप उस दिशा में जाकर के देख लेंगे। क्या हम इस प्रकार की चीजों के लिए आइडेंटिफाई करके इतने इतने इश्यूज हैं, टेक्निकल सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं? तो आप अगर इस प्रकार से इश्यूज इन नौजवानों को दें, और मैं एचआरडी मिनिस्ट्री को कह सकता हूं
कि वे इसके साथ कोऑर्डिनेट करें और इस प्रकार के हैकेथन हो जो सीएजी के लिए ऐसे टूल बनाए, सीएजी के लिए इस प्रकार के सॉल्यूशन लेकर के आए, आपके कुछ लोगों को उनके साथ विचार विमर्श करने का मौका मिले, तो मैं समझता हूँ एक अच्छा मैकेनिज्म और ये ईयरली किया जा सकता है। ये हैकेथन, इससे ये भी लाभ होगा कि हमारे देश की युवा पीढ़ी है उसको भी पता चलेगा कि हिंदुस्तान की शासन व्यवस्था की सबसे वृद्ध अनुभवी इस इंस्टीट्यूशन कैसे कैसे काम कर रही है और कितनी कितनी चुनौतियों को लेकर के चलती है। मैं समझता हूं कि इस काम की ओर सोचा जा सकता है और देखना चाहिए, और ऐसे प्रयासों से देश के सामान्य मानवी की परेशानी कम होगी और देश की तमाम संस्थाओं पर उसका भरोसा भी मजबूत होगा। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट मैकेनिज्म जो है उसका और आपका भी इन दोनों में तारतम्य बनेगा। मुझे विश्वास है कि सीएजी देश की तमाम अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी और न्यू इंडिया को क्लीन इंडिया, क्लीन इंडिया वो वाला नहीं जो मैं करता हूं, आप वाला दूसरा है, बनाने में अपनी भूमिका को सशक्त करेगी। और मेरा आपसे आग्रह है, एक तो होता है हम ऑडिट करें, लेकिन क्या ऑडिट किसी को कटघरे में काम करने खड़ा करने के लिए तो ठीक है, लेकिन क्या हम वहीं पर रुकने के लिए है क्या? जी नहीं, हम कहीं पर भी हो, किसी भी अम्ब्रेला के नीचे काम करते हो, लेकिन अल्टीमेटली हम सब देश के लिए काम करते हैं, देश के उज्जवल भविष्य के लिए काम करते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करते हैं। और इसलिए हम ये जो मेहनत करते हैं, क्या वो गुड गवर्नेंस के लिए काम आ सकती है क्या, एफिशिएंसी के लिए काम आ सकती है क्या, और ये किया जा सकता है? जैसे हर बार जरूरी नहीं है कि जो है उसमें से हम कमियां खोजे, हर बार जरूरी नहीं है, लेकिन अगर साल के प्रारंभ में ही आप एक 10 डिपार्टमेंट पकड़ लें, 10 डिपार्टमेंट के संबंध में ब्रेनस्टॉर्मिंग हो डिपार्टमेंट के साथ, आपके लोगों के साथ जिसकी इसमें महारत है, ग्रास रूट लेवल पर भी कोई काम करने वाला वो भी हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करने वाला हो, स्टेट लेवल पे करने वाला हो, नेशनल लेवल पे हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके मान लीजिए एक डायरेक्टिव आप 100 पॉइंट निकालते हैं और उनको कहा जाए कि देखिए भाई हम एक साल के बाद ऑडिट के लिए आएंगे, ये हम सबने मिलकर जो 100 पॉइंट निकाले हैं, आप अपने काम को इस 100 पॉइंट के तराजू पर जरा तोलिए, आप जो चीजें रिकॉर्ड रखेंगे इन 100 पहलू को उसमें जरूर ध्यान रखिए। इसका मतलब यह हुआ कि जो ऑडिट माइंड है वो पहले से उसको इंगित करेगा कि देखिए आपको गलती ना हो इसके लिए मैं आपको परफॉर्मा देता हूं, आप देखिए इससे फर्क ये पड़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, गवर्नेंस के पहलू में नए बातें उजागर होगी जो सरकार की अपने आप में एक स्ट्रेंथ बन जाएगी। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हम ऐसे भी कुछ प्रयास कर सकते हैं क्या? दूसरा, आपने देखा होगा अल्टीमेटली आपने देखा होगा बजट में अब हाउस में हम आउटकम रिपोर्ट भी रखते हैं जो पहले हमारे यहाँ नहीं था, क्योंकि आउटपुट की चर्चा तो बड़ी सरल होती है कि 10 रुपया था 10 रुपया दे दिया, क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, किसके लिए किया, कब किया, करना चाहिए था नहीं करना, सारी बातें वो आपके क्षेत्र में चला जाता है और वो आउटकम शुरू होता है। और इसलिए हाउस के अंदर इन दिनों आउटकम की व्यवस्था हमने डेवलप की है और एक इंस्टीट्यूशनलाइज की है, लेकिन कभी कभी प्रोसेस बढ़िया, प्रोडक्ट बढ़िया, आउटकम क्या, आउटकम कहाँ कम होता है? जहां पर चोरी होती है वहां आउटकम कम होता है, बात अलग है, ज्यादातर बैड गवर्नेंस उसके लिए जिम्मेवार होता है। अगर गवर्नेंस सही है तो नेचुरल कोर्स में आउटकम और एफिशिएंसी नजर आती है।
और इसलिए हम अपनी बातों को गुड गवर्नेंस का भी एक हिस्सा बना सकते हैं। और इसलिए मैं कहूंगा कि क्या टारगेट था, क्या अचीव किया गया और इसके लेकर आपका दृष्टिकोण बारीक होते हुए भी मैं जरूर चाहूंगा कि हम एडवांस में अपने अपने इन संस्थानों को मजबूत बनाने के लिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम प्रयास करें। मैं फिर एक बार आज आपके बीच आने का मुझे मौका मिला है, आप सबको देश की एक उत्तम सेवा करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 2022 में आज़ादी के 75 साल होंगे, क्या सुये जी 2022 आज़ादी के 75 साल एज ए इंस्टीट्यूशन हमारे टारगेट क्या होंगे, हम इस इंस्टीट्यूशन को और अधिक फ्रेंडली कैसे बनाएंगे, प्रोडक्टिव कैसे बनाएंगे, गुड गवर्नेंस में कंट्रीब्यूटर कैसे बनाएंगे, हमारे इस अनुभव का उपयोग बुराइयां ढूंढने की जिसकी ताकत है उसकी बुराइयों को रोकने की भी ताकत होती है, जिसकी बुराइयों को रोकने की ताकत होती है जिसको बुराइयां होने से बचाने की भी ताकत होती है, क्या हम इन्हीं सभी पहलुओं के साथ जुड़ करके इस सारी इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन का हम और एक अधिक प्रभावी उपयोग कर सकते हैं। और मैं मानता हूं ये संभव है, मैं मानता हूं ये संभव है। आपको लगेगा कि फाइलें देख देख करके तंग आ जाते हैं और ये प्रधानमंत्री चार काम नए दे करके जा रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि फिर आपका जो ये बोझ है वो अपने आप कम हो जाएगा और आपको भी संतोष होगा कि आपने जो और कंट्रीब्यूट किया है वो इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ है, जिसने देश के नक्शे को, देश की एक जो सोच है उसको बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और ये हो सकता है, इसी अपेक्षाओं के साथ मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।